यार मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई ने। हाँ जी मैम, कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं भैया, आप चले जाओ। नहीं, आप लग रहे हो मुझे ठीक हो, आप कुछ दिक्कत तो नहीं है आपको? प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं हॉस्पिटल लेके चल लूँ आपको, बताओ। ऐसी कुछ दिक्कत है तो भैया, मुझे गर्ल्स प्रॉब्लम हो रही है। शर्ट जो है ना पीछे टक इन कर लो आप। आंटी गई थी अभी, उनसे भी हेल्प मांगी, उन्होंने बस सुन के अनसुना कर दिया। मतलब आंटी ने भी आपकी हेल्प ही नहीं करी यार, शर्म आनी चाहिए। सैनिटरी पैड वगैरह मैं आपको, आगे केमिस्ट है वहाँ से मैं आपको दिलवा देता हूँ। भाई एक सैनिटरी पैड दे देना यार। खेलो भैया, तो भाई यहाँ से सैनिटरी पैड वगैरह हमने ले लिया। सामने वॉशरूम है, आप इधर चले जाओ, ठीक है? ये रहा गर्ल्स वॉशरूम, यहाँ पे, ठीक है? आप जो हो आओ। भैया मुझे नहीं पता था कि आप मेरी मदद करने आ रहे हो, मैंने आपको देखा ना, मुझे लगा आप मेरे को छेड़ने आ रहे हो। इवन कई बाइक राइडर होते हैं वो जो लड़कियों को छेड़ते हुए निकल जाते हैं, तो आपने मेरी मदद की। कुछ होते देखो गलत कुछ नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि यार सबको एक तरीके से कंपेयर करें। राइडर हमेशा सबकी मदद करते हैं चाहे वो कोई भी हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक हो गए। सो गाइस, देख सकते हो कितनी तगड़ी धूप निकल रही है, फिर भी तुम्हारा भाई निकल चुका है राइड पे। और राइड पे कहाँ जा रहे अभी कुछ भी नहीं पता, बट ये है कि निकल चुके घर से और कहीं ना कहीं तो जाएंगे। अब देखते कहाँ का प्लान बनता है, कहाँ जाते हैं अभी कुछ नहीं पता। और गाइस आप बहुत प्यार दिखा रहे हो वीडियो को यार, ऐसी प्यार दिखाते रहना, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत तगड़ा तगड़ा कंटेंट लेके आने वाला है इन फ्यूचर, और बहुत मज़ा आएगा वीडियो के अंदर। और जो भी भाई मेरे साथ राइड करना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मैसेज करें, मैं आपके साथ राइड करूँगा। क्योंकि यार सारे आप भाई हो यार, भाइयों के साथ राइड करने में अलग ही मज़ा आता है। तो चलते फटाफट से, देखते कहाँ का सीन बनता है। अकेले ही आज निकल गया भाई, क्योंकि जो है सारे भाई जो है बिजी थे, तो मैं आज अकेले ही निकल गया राइड पे। और दोपहर में भाई देख लो ये होता कीड़ा, दोपहर में मतलब राइड करने के लिए निकले हम। भाई गर्मी बहुत तगड़ी हो रही है। आवाज तो भाई बहुत तगड़ी है अपने बीस्ट की, पटाखे ऐसे मारते बिल्कुल खतरनाक वाले। धूप बहुत कैडी हो रखी है भाई, बहुत कैडी धूप हो रखी है। और यार इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो जिन भाइयों ने मुझे फॉलो नहीं कर रखा, क्योंकि यार मैं बहुत तगड़े तगड़े कंटेंट लाने वाला हूँ इंस्टाग्राम के लिए भी। देख लो भाई का पूरा इंजन बैठा पड़ा, धुआं दे रहा है भाई, पोल्यूशन मचा रहा, पर ये नहीं भाई से ठीक करवा लूँ, ऐसे ऐसे तो लोग है केयरलेस। देखो भाई अरे धुआं धुआं, ये देखो भाई चेक करो। और यार मुझे कमेंट करके बताना कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो, क्योंकि अब मैं 3 दिन के गैप में वीडियो डाल रहा हूँ, 3 दिन बाद मेरी वीडियो आनी आनी है। और यार आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करो, किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। यार इसे चला के जो फीलिंग आती है ना, अलग ही आती है, अलग ही। जितने भी भाई मुझे मिलते हैं ना यार, मैं अब कोशिश करता हूँ सबसे मिलने की, क्योंकि यार सबका ड्रीम होता है, हमने भी ड्रीम किया था और आज हमारे पास है। आप भी ड्रीम करो यार, मेहनत करो, ज़रूर आपके पास भी होगी। मैं दुआ करूँगा पूरा 100% मैं दुआ करूँगा आपके लिए। जो भाई चाहता है, जिसके पास सुपर बाइक है, उसके पास भगवान आप ज़रूर देना सुपर बाइक उसे, और उनका ड्रीम भी पूरा हो पाए जैसे हमारा ड्रीम आपने पूरा करा। मैं यही चाहूँगा कि यार ऐसी प्यार बनाए रखो आप सारे भाई, तुम्हारा भाई बहुत तगड़ा सीन कर देगा। ये है, मैं भाई कोई कसर नहीं छोड़ूंगा वीडियोस में, मैं वीडियो दबा के डालूंगा, जैसे बोलोगे वैसे डालूंगा, बस मुझे आप प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो। मुझे गाइस कमेंट करके बताना कि यार कैसी लग रही है आपको वीडियो, और एग्जॉस्ट कैसा लगा आपको हमारा, ठीक है? उसी हिसाब से मैं जो है वीडियो बनाते रहूँगा। अब इन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई यार, कुछ दिक्कत लग रही है इन्हें। अब पेट में भी लग रहा दर्द हो रहा है इनके। अब यार मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो गई इन्हें।
हाँ जी मैम, कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं भैया, आपको नहीं, आप लग रहे हो मुझे ठीक हो आप, कुछ दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं मुझे लग नहीं रहा, एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा आप जो है ठीक हो, कुछ आप मुझे बता सकते हो? देखो कुछ अगर बात है तो नहीं नहीं आप बता दो यार, ऐसे देखो मत करो, क्योंकि यार देखो यहाँ पे रोड पे देखो आ जा भी नहीं रहा आप, कुछ मुझे प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं हॉस्पिटल लेके चल लूँगा आपको, बताओ ऐसी कुछ दिक्कत है तो। मुझे गर्ल्स प्रॉब्लम हुई है। अच्छा मतलब आपको गर्ल्स प्रॉब्लम हुई है? अरे यार शिट यार, इन्हें गर्ल्स प्रॉब्लम हो चुकी है, तो आप बताओ मैं किस तरीके की हेल्प कर सकता हूँ आपकी? आप मेरे को तो आपको देखो यार शर्माओ मत, मॉम को भी प्रॉब्लम होती है हमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप एक काम रुको यार, मुझे लग रहा है शर्ट देता हूँ यार मैं अपनी उतार के। आप ऐसा काम करो, ये देखो ये ना आप ना शर्ट जो है ना पीछे टक इन कर लो। आप कितनी देर से हो आप यहाँ पे? मुझे एक घंटा हो गया खड़े, किसी ने भी मदद नहीं करी अभी तक, जो भी आ रहा है बस देख के चला जा रहा है। आपकी मतलब किसी ने मदद नहीं करी अभी तक? किसी ने भी नहीं करी, मतलब ये कि कोई भी बोल ही नहीं रहा था। मैं एक आंटी गई थी अभी, उनसे भी हेल्प मांगी, उन्होंने बस सुन के अनसुना कर दिया। मतलब आंटी ने भी आपकी हेल्प ही नहीं करी? यार शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पे कि बताओ यार इन्हें प्रॉब्लम हो गई। मेरे को यहाँ एक घंटा हो गया खड़े हुए, मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया है, डेड हो पड़ा है, मैं किसको ही कॉल करती? चलो यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको जो है सैनिटरी पैड वगैरह मैं आपको आगे केमिस्ट है वहाँ से मैं आपको दिलवा देता हूँ, आप कोई बात नहीं, आप जो है कोई टेंशन मत लो, ठीक है? आप जो है आराम से मेरे पास बैठ जाओ, ठीक है? अब तो कोई बिल्कुल आराम से बैठ जाओ आप, ठीक है? यार इनकी जो है हेल्प कर देते हैं यार। बैठ गए आप आराम से? हाँ भैया बैठ गई। बैठ गए ना आप? यार इन्हें जो है केमिस्ट के पास ले आते हैं और जो है सैनिटरी। मतलब एक घंटे से आप यहाँ पे खड़े हो तो आपकी किसी ने मदद नहीं करी? किसी ने भी कोई मदद नहीं करी, मेरे को आधे घंटे से पेन स्टार्ट हो गया। अच्छा यार बता नहीं सकती यहाँ पे, एक मतलब सिंगल पर्सन मेरे पास आके ये नहीं पूछ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। मतलब सिंगल पर्सन ने आपके यहाँ पे किसी ने हेल्प नहीं करी, मतलब आंटी भी गई आप? बताओ यार ऐसे शर्म आनी चाहिए, मतलब यार लड़की एक मतलब पेन में यार, देखो नेचुरल सी चीज़ है, इसका मतलब ये थोड़ा ना आप यार कि ऐसे किसी को भी यार छोड़ के चले जाओ, पूछो तो यार क्या प्रॉब्लम है। और मतलब आपका फोन भी ऑफ हो गया? हाँ मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं यार, आप जो इंसानियत है यार देखो हम नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा, बट होते कुछ लोग नहीं करते मदद। कोई बात नहीं यार, मैं आया हूँ आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, देखो राइडर हर किसी की हेल्प करते हैं चाहे वो कोई भी हो, बट आप टेंशन मत लो हम आपकी हेल्प करेंगे। आप पहले मैं आपको जो है सैनिटरी पैड वगैरह जो है मैं आपको देता हूँ, आप जो है चेंज वगैरह कर लेना, ठीक है? थैंक यू भैया, मुझे नहीं पता था आप मेरी हेल्प करोगे, मैं तो सोचती थी कोई लेडी मेरी हेल्प करेगी लेकिन किसी ने भी नहीं की। चलो कोई शर्म आ रही थी आपको बताने में भी कि मैं कैसे बताऊं। हाँ मुझे लग ही रहा था आपके फेस से आपको शर्म आ रही है, बट कोई नहीं यार मैं आपकी हेल्प करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच भैया। ये मार्केट है यहाँ तो होनी चाहिए, ये रही केमिस्ट शॉप है, अब यहाँ से जो है लेते हैं हम सैनिटरी पैड वगैरह। आप ऐसे यहीं बैठे रहना, ठीक है? नहीं तो ऑफ़फ़ुट लग जाओ। भाई एक सैनिटरी पैड दे देना यार। हाँ खेलो भैया। तो भाई यहाँ से सैनिटरी पैड वगैरह हमने ले लिया, थैंक यू भाई। तो भाई अब जो है इन्हें जो है दे देते हैं, आप ही रख लो ठीक है? फटाफट यार, मतलब इंसानियत नाम की तो चीज है ही नहीं लोगों में कि यार मतलब वुमेन की वुमेन नहीं मदद करेगी तो कौन करेगा यार बताओ। बट कोई बात नहीं यार, हमने देखा कि यार ये प्रॉब्लम में है तो यार इनकी मदद करने के लिए हम निकल गए और अभी पैड वगैरह हमने ले लिया है,
अब इन्हें जो है मतलब यहाँ पे आगे जाके एक वॉशरूम है, वहाँ पे इन्हें बोलेंगे कि आप जो है चले जाओ आप वहाँ पे। कोई बात नहीं यार, आपकी जो हेल्प हमने कर दी, कोई दिक्कत नहीं है यार। मेरे पास चार्जर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, मेरे पेन हो रहा था, मेरे कपड़े खराब हो गए, मेरा फोन ऑफ हो गया, मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकती। मतलब यार इनके कपड़े वगैरह सब खराब हो गए, फोन भी इनका ऑफ हो गया कि मतलब ये किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते। कोई बात नहीं यार, पैसे भी नहीं है कि मैं पैसे। कोई बात नहीं यार, देखो पैसे का कोई इशू नहीं है। आप जो है ये रहा सामने वॉशरूम है, आप इधर चले जाओ, ठीक है? ये रहा गर्ल्स वॉशरूम यहाँ पे, ठीक है? आप जो हो आओ वहाँ पे। यार ये दर्द से तड़प रहे थे और किसी ने इनकी हेल्प नहीं करी, बट हमने हेल्प करी क्योंकि यार ये नेचुरल प्रॉब्लम है यार गर्ल्स को। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? नहीं, बस आप मेरी एक मदद कर दीजिए। हाँ जी बताओ बताओ। मेरे को यहाँ पे आगे जो ऑटो वगैरह मिलते हैं वहाँ तक छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ, ठीक है? थैंक यू। ठीक है आप बैठ जाओ, मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। बैठ गई। बैठ गए आप? हाँ। तो गाइस इन्हें आगे तक छोड़ देते हैं। देखो इंसानियत कहीं ना कहीं तो जिंदा है, किसी में है किसी में नहीं है। यहाँ से चले जाओगे आप? हाँ जी। आराम से आराम से। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? नहीं, ठीक हूँ मैं। ठीक है। ये शर्ट मैं। शर्ट कोई बात नहीं, आप ले जाओ इस शर्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। शर्ट तो यार आती जाती रहती है, ठीक है? और जो है आप जो है आराम से घर जाओ। भैया मुझे नहीं पता था कि आप मेरी मदद करने आ रहे हो, मैंने आपको देखा ना, मुझे लगा आप मेरे को छेड़ने आ रहे हो। इवन कई बाइक राइडर होते हैं वो जो लड़कियों को छेड़ते हुए निकल जाते हैं, तो आपने मेरी मदद की। कुछ होते देखो गलत कुछ नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं कि यार सबको एक तरीके से कंपेयर करे। राइडर हमेशा सबकी मदद करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो या कोई भी मुसीबत है फंसा, हमेशा राइडर आगे खड़े रहते हैं सबके, जो जिन्हें भी प्रॉब्लम होती है। आपको यार प्रॉब्लम है यार, जेन्युइन सी बात है यार, हमारे घर में भी मम्मी को होती है प्रॉब्लम, सिस्टर को होती है, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना ये चीज़। तो वही बात है यार, सारे लड़के एक जैसे मतलब नहीं होते। मुझे तो ये सोच के दुख हो रहा है कि लड़कियों ने आंटियों ने भी मेरी हेल्प नहीं की। मतलब बताओ, लड़कियों ने भी मदद नहीं करी और आंटियों ने भी इनकी मदद नहीं करी, बट कोई बात नहीं यार, हमने आपकी मदद करी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? आप जो है आराम से जाओ घर पे, ठीक है? अपना मुझे नंबर दे दो अपना, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूँगा। अरे कोई नहीं, पैसे की कोई बात नहीं है यार, देखो पैसे की कोई बात नहीं है, आप जो है पैसे वैसे छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया ऐसा थोड़ी होता है, आपने मेरी इतनी हेल्प करी है। आप जो देखो यार हेल्प करिए, कोई बात नहीं है, जेन्युइन सी बात है, हेल्प करना इंसानियत है, इसलिए हेल्प कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पैसे नहीं ले रहे तो आप अपने इंस्टाग्राम आईडी दे दो, आपने मेरी इतनी हेल्प करी है तो फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है backbencherrider1000, ठीक है? backbencherrider1000 आ जाएगा। आप मुझे कोई बात नहीं मैसेज करना, फ्रेंड बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू की कोई बात नहीं है, आप जो आराम से चले जाओ घर पे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? बाय। तो गाइस इन्हें जो आपने जो है यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, अब चलते हैं यार। ऐसे यार हेल्प कर दिया करो, कोई भी लड़की जो है कहीं भी फंसी हो यार हेल्प कर दिया करो, क्योंकि यार आप किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हो, क्योंकि यार हर तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, तो आप हेल्प कर दिया करो। तो गाइस आप ऐसी हेल्प कर दिया करो, और मैं यही बोलना चाहूँगा यार कि राइडर जो होते हैं ना वो हर किसी की हेल्प करते हैं। सिचुएशन कैसी थी और मतलब उस लड़की की किसी ने भी मदद नहीं करी, बट यार हमने देखा तो यार हमने पूछा, पहले तो मना कर रहे थे,
फिर उसके बाद जो मैंने दोबारा पूछा तो उन्होंने बताया कि यार मुझे गर्ल्स प्रॉब्लम हो गई, और हमने उनकी फाइनली जो मदद कर दी है। लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप प्लीज़ मदद कर दिया करो अगर किसी को मदद चाहिए तो, क्योंकि यार आपकी एक मदद बहुत कीमती हो सकती है उनके लिए। तो यार बस अब चलते हैं, देखते हैं यार कहाँ चलते हैं। सोच रहा हूँ यार दोस्त के घर ही चले जाऊँ अब तो।